संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बेटियों से ज्यादती करने वालों को सड़क पर फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून को बदलना होगा। जब अपराध सार्वजनिक किया गया है तो सजा एकांत में क्यों मिले? उन्होंने कहा, इसके लिए वे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि समाज को भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कहां हमारे संस्कारों में कमी आ रही है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि वे बेटियों से ज्यादती करने वाले आरोपियों को सड़क पर फांसी दिलाएंगे। इसके लिए वे मुख्यमंत्री से सिफारिश करने के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। ठाकुर ने कहा, अपराध सार्वजनिक है तो सजा एकांत में क्यों मिले, सजा भी सार्वजनिक हो। उन्होंने कहा, अंग्रेजों का कानून बदलना पड़ेगा, तभी ऐसे अपराधियों में दहशत होगी। दुष्कर्मियों को फांसी दो, पर चौराहे पर सबके सामने दो। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश ऐसी पहली सरकार है जिसने बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी का प्रावधान किया है और फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज संस्कृति से जुड़ना चाहिए, समाज को मूल्यांकन करना होगा कि कहां संस्कारों में कमी आ रही है, हमारी संवेदनशीलता क्यों समाप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा, जब तक हम नई पीढ़ियों को संस्कार और अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ऐसे नरपिशाच दुष्कृत करते रहेंगे। देखिए, कानून बहुत सख्त है मध्य प्रदेश में, और हम सबको गौरव होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने छोटी बच्चियों के बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा तय की और फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलाकर धड़ाधड़ फांसी देने का काम भी तुरंत हो रहा है। ये चिंता सरकार और कानून कहीं कमजोर नहीं, संवेदनशील बहुत मजबूत है, पर समाज को अपना आत्ममूल्यांकन करना होगा कि कहां संस्कारों में कमी आ रही है, क्यों संवेदनशीलता हमारी इतनी समाप्त होती जा रही है। जब तक हम हमारी नई पीढ़ी को आध्यात्म से, संस्कारों से, संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस प्रकार की नर पिशाच घटनाएं बढ़ती हैं और हम सबके लिए अपार कष्ट की बात है। वो दुष्ट छूटेंगे तो एक भी नहीं। और मैं तो प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि इनको जो हम जब ये अपराध तो सरेआम करते हैं और सजा इनको मिल जाती है जेल के अंदर, तो समाज को दिखता नहीं कि इनको दंड क्या मिला। तो अंग्रेजों का ये जो बनाया हुआ कानून है कि सजा तो अपराध कर रहा सार्वजनिक और सजा मिल रही है उसको एकांत में, तो इन सजाओं को सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि दहशत व्याप्त होगी और आदमी को अपराध करने से पहले हजार बार सोचेगा। फांसी ही दो पर चौराहे पे दो ऐसे छोटी बच्चियों के बलात्कारियों को। पर सरकार तो इनको पेरोल पे छोड़ रही है। नहीं छूटेंगे। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, ये मुद्दा ऐसा है सबकी पुरजोर अपील एक साथ एक जैसी होना चाहिए। जनभावना ये, जी हाँ, जनभावना है ये वाद विवाद, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये मानवता के संरक्षण का विषय है। यदि इतनी संवेदन शून्यता पनप रही है तो उसको जड़मूल से खत्म करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।